उसके घर वालों को तो मानना पड़ेगा। रात के 12 बजे जवान लड़कों के साथ मिलकर बर्थडे मना रही है। अगर मेरे डैड होते ना, लात मारकर घर से निकाल दिया होता। उसके घर वाले बहुत ही खुले विचार के हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सारे क्रिश्चियंस वैसे ही है, जब भी देखो प्यार से ही बोलेंगे वो। पैसा उधार मांग के देखो, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, डैड ने बताया है। तेरे डैड के पास तो काफी पैसे हैं, उधार मांगते हुए शर्म नहीं आती उन्हें? डैड ने एक फूटी कौड़ी भी किसी से उधार नहीं ली है, मैं तो बस समझा रही थी। वो कांता नहीं कांटा है, समझ लो। तुम दोनों फुल टाइम इश्क में ही लगे रहते हो। हैप्पी बर्थडे कांता, कल एंजॉय किया ना सबने? मैंने मिस कर दिया। ओहो, कल हमारा फेस्टिवल डे है बेबी, धूमधाम से मनाएंगे। ए, इसे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स पसंद नहीं। किसने बोला मुझे क्रिश्चियन फेस्टिवल पसंद नहीं है? मुझे क्रिश्चियन फेस्टिवल बहुत पसंद है, मैं आऊंगी। ये हुई ना बात, ठीक है मैं चलती हूँ, थोड़ी शॉपिंग करनी है, बाय। ओके कांता। कहीं भी जाओ पीछे पीछे आती है चुड़ैल। इस तरह मैं तुम्हें उसके साथ अकेले कभी नहीं छोड़ने वाली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशन। यार जान गई, ऑफिस की ये दीदी भी जान गई, अब कौन सा मुंह लेके क्लास में जाओगे? यार लगता है सबको पता चल गया, सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे यार किसी बेगाना शादी में जाते हैं ना तो लोग बाग हमें देखते हैं ना, ये भी ऐसा ही है। अबे साले, जो भी हुआ तेरी वजह से हुआ है। अरे छोड़ने है। रोशन, फुल वैरायटी आइटम है तेरे पास, अरे कहाँ से मिली यार? ये पतलून फड़वा के खून के असुर हो रहा है और तू लंगोट खींच रहा है, चल भाई यहाँ से। भूल हो गई, कहीं अगर प्रिंसी जान गए तो? नहीं तो क्या, तुम्हें पता है हमारे प्रिंसिपल इस ग्रुप के एडमिन है, टीसी फाड़ के हाथ में दे देंगे। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम इन वाटर। हाँ, पानी में डाले गए पीस के साइज के अनुसार जो भी रिएक्शन है वो बदलता रहेगा। साइलेंस। आई मीन पीस ऑफ पोटेशियम, जो तुम समझ रहे हो वो पीस नहीं है, केमिस्ट्री देखो। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, द रिजल्ट इज कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी एक्सोथर्मिक। मुझे रोशन को प्रिंसिपल ने याद किया है। रोशन तुम्हें पीस ने याद किया? प्रिंसी ने याद किया। रोशन तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। की दशा चल रही है यार, मेरा नाम मत लेना प्लीज। रोशन गेट अप, गेट अप। यू कंटिन्यू। आई कंटिन्यू, कम ऑन। टीसी फाड़ के हाथ में देंगे तो अब इससे हमने क्या जाना? सोचे बिना पीस डालोगे तो रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। थैंक यू। देख मामला प्रिंसी तक पहुंच चुका है, अब भी तुम उसके साथ दोस्ती रखोगी तो बदनाम हो जाओगी। तुम उसे छोड़ दो, मैं होती तो उसे घास तक नहीं डालती। कैसे खड़ा है ये, जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड लेकर आया हो, बेशरम कहीं का। पढ़ाई से संबंधित बातों को कम्युनिकेट करने के लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, ना कि तुझे मनमानी करने के लिए। सॉरी सर, मुझे एक भूल हो गई। भूल हो गई, इसे भूल नहीं अभद्रता बोलते हैं। एक काम करो, डैडी को बुला के लाओ, उसके बाद क्लास में जाना तुम। सर डैड। क्यों डैड नहीं है? नहीं सर है, शहर में नहीं है। फिर? गल्फ में। अब समझा इसलिए तुम अपनी मनमानी करते हो। जब बच्चों को माँ पालती है तो यही सब होता है। एक काम करो, अपनी माँ को बुला कर लाओ। सर हा? किस तरह ये माँ को बताऊँ मैं? ठीक है मैं बता दूंगा। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि घर में माँ बहने भी हैं। इस प्रकार के अश्लील वीडियो देखने वाले तुझ जैसे जवान लड़के ही उत्पीड़न केस में फंसते हैं, समझ गए? सॉरी सर, ऐसा कभी नहीं होगा सर। हाँ ऐसा ना हो इसलिए माँ को बुलाने के लिए बोला। ये लो इसे रख लो, सस्पेंशन लेटर है। खैर अब एक हफ्ते के बाद ही क्लास में आना। गेट आउट।